सो हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मेरा नाम है हार्दिक, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक विद हार्दिक में। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस यदि आपके पास वीवो का या फिर आपके पास जो भी फोन है, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंड यहाँ पे उन्हें एक प्रॉब्लम होता है कि वो जब भी किसी लिंक को यहाँ पे ओपन करते हैं तो उनका यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन होने की जगह यहाँ पे उनका वीवो का ब्राउजर या फिर उस फोन का ब्राउजर यहाँ पे ओपन हो जाता है। फ्रेंड, यदि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है तो फ्रेंड आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच जरूर करिएगा, जिससे आपको भी सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए एंड आप भी सेटिंग को सही से अप्लाई कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, इसे ऑफ करने के लिए आपको सिंपली अपने फोन के सेटिंग में आ जाना है। सो फ्रेंड, यहाँ आपको नीचे मोर सेटिंग का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। फ्रेंड, इसके बाद आपको यहाँ पे एक परमिशन मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इसे क्लिक कर लेना है एंड इसके बाद आपको यहाँ इस डिफॉल्ट ऐप सेटिंग में क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देख रहे होंगे, पर आपको सिंपली इस ब्राउजर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट पहले से ही वीवो का जो ब्राउजर है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है, पर आपको इसके जगह पे सिंपली क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली जो क्रोम ब्राउजर है वो यहाँ पे आपका सेट हो चुका है एज ए डिफॉल्ट ब्राउजर एंड इसके बाद फ्रेंड आप जिस भी चीज को यहाँ पे ओपन करते हैं तो वो चीज आपका यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में ही ओपन होने वाला है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक और सेटिंग करना है, बिकॉज यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को होता है कि वो जब भी अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं तो उनका यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के होम पेज को ओपन होने की जगह उनका जो वीवो ब्राउजर का जो होम पेज है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड शायद आपको भी ये प्रॉब्लम जरूर आ रहा होगा। सो फ्रेंड, इसे ऑफ करने के लिए आपको सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सेटिंग के ऑप्शन में आ जाना है। आ जाने के बाद आपको सिंपली इस होम पेज वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वीवो का होम पेज है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ रहता है, तो यहाँ आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर को होम पेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड, यहाँ पे आपका सब कुछ अच्छे से सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वीवो का होम पेज है उसके जगह क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है। सो फ्रेंड, जल्दी से जाकर आप भी सेटिंग को अप्लाई करिए एंड हाँ फ्रेंड, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, बस यही था आज का छोटा सा वीडियो। सो होप यू गाइस आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा एंड यदि आप मेरे चैनल में नए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इट्स मी हार्दिक, लेट्स साइनिंग आउट।